नमस्कार प्रिय साथियों, सीओटी पाठशाला में मानस मिश्रा के साथ आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि जो निराला बैच हिंदी साहित्य का आ चुका है, सीओटी जो पीजी की तैयारी कर रहे हैं हिंदी साहित्य से, वो लोग अपनी तैयारी एकदम करते रहे, सुनिश्चित तैयारी पढ़ते रहे प्रतिदिन। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये एडिशन है, ठीक है, उनका एक ऑफ स्टडीज ऐसे है, उसमें से ये पंक्ति है। और इसका मतलब है कि यदि आप प्रैक्टिस अभ्यास करते रहेंगे तो एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। एक व्यक्ति एक दिन में सफल नहीं होता है, उसकी एक सतत प्रक्रिया होती है, वो निरंतर अभ्यास करता है। और संस्कृत में एक श्लोक है, अनभ्यासे विषम विद्या, यदि अभ्यास नहीं करेंगे तो विद्या प्राप्त करना बहुत ही दुर्लभ है और कठिन है। तो आपकी ये जो विद्या प्राप्त करने की श्रृंखला है, सुलभ हो इसके लिए हम लोगों ने निराला बैच कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें सीयूईटी पीजी हिंदी की तैयारी 2024 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए लॉन्च कर चुके हैं। उसके कुछ कुछ वीडियोस हैं जो आपको यूट्यूब के माध्यम से मिलती रहेंगी। और यदि आपको पूरी तैयारी चाहिए और हर एक वीडियो के बारे में बिल्कुल जानकारी चाहिए व्याख्यात्मक रूप से, तो उसके लिए आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप लोग एकदम तैयारी बेस्ट से बेस्ट आपकी कराई जाएगी। आज हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन इस क्लास में संत काव्यधारा के बारे में। चूंकि जो जितने भी अभी तक क्लासेस हैं वो हो चुकी हैं हमारी, तो अभी हम संत काव्यधारा भी पढ़ा चुके हैं, लेकिन आप लोगों के लिए, चूंकि आप लोग कुछ विद्यार्थी हैं जो कह रहे थे कि सर संत काव्यधारा एक बार फिर से बता दीजिए, तो संत काव्यधारा की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि संत काव्यधारा के बारे में, कि संत काव्यधारा शुक्ल जी के जो इतिहास है, हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य शुक्ल जी के अनुसार, ठीक है, तो शुक्ल जी ने आचार्य हिंदी साहित्य के इतिहास में जो प्रकरण बांटा है, आचार्य हिंदी शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को प्रकरणों में विभाजित किया है। किसमें? प्रकरणों में विभाजित किया है, ठीक है। जिस प्रकार उन्होंने आदिकाल के कितने प्रकरण बांटे हैं, 4, उसी प्रकार उन्होंने भक्ति काल में कुल 6 प्रकरण बांटे हैं, ठीक है। और 6 प्रकरणों में हम देखते हैं कि प्रकरण 1, प्रकरण 2, प्रकरण 3, प्रकरण 4, 5 और 6। चूंकि सीयूटीपीजी का एग्जाम एनटीए कराता है, ठीक है, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी वो कराती है, और इसलिए हमको बिल्कुल उम्मीद है कि वह यहाँ से प्रश्न जरूर उठाता है कि प्रकरण 1 में क्या है, प्रकरण 2 में क्या है। जो संत काव्यधारा है वह संत काव्यधारा निर्गुण काव्यधारा है, जिसको ज्ञानाश्री शाखा कहा है। किसने? शुक्ल जी ने इसको क्या कहा है? ज्ञानाश्री शाखा का नाम दिया है, ज्ञानाश्री शाखा, ठीक है। अब ज्ञानाश्री शाखा, ज्ञानाश्री से क्या तात्पर्य है? ज्ञानाश्री शाखा निर्गुण जो परंपरा है उसमें एक ऐसी शाखा जिसमें ईश्वर को ज्ञान के माध्यम से प्राप्त करने के कुछ कुछ साधन है, कुछ भक्ति की प्रणालियां हैं, पद्धतियां हैं, उन पर जोर दिया जाता है। बड़ी बात यह है कि जो भक्ति आंदोलन या भक्ति काव्यधारा की शुरुआत होती है वह संत काव्य से ही होती है। इसीलिए यदि पहला भक्ति का कोई कवि आता है या पहली रचना आती है भक्ति की, तो यह मान लीजिएगा आप लोग कि वह संपूर्ण भक्ति काव्यधारा की पहली रचना है, ठीक है। और वह संत काव्यधारा की भी पहली रचना होगी, क्योंकि संत काव्यधारा पहले आ जाती है। उसके भी एक बड़े कारण है, क्योंकि समाज सुधार की जो गूंज उठी थी वो कबीर से उठी थी, ठीक है। इसलिए जो रामविलास शर्मा है, रामविलास शर्मा कहते हैं इसको लोक जागरण का काल, ठीक है, भक्ति काल को कहते हैं लोक जागरण का काल है, ये तो लोगों को जागृत करने का काल है। तो शुक्ल जी ने भक्ति काल को पूर्व मध्य काल के रूप में रखा है, और इसकी जो समय सीमा मानी है संवत 1375 से 1700 तक। कब से? 1375 से और संवत 1700 तक आचार्य शुक्ल जी ने इसकी समय सीमा निर्धारित की है। समय सीमा निर्धारित करना भी शुक्ल जी की एक बड़ी देन है, क्योंकि यदि किसी काल को समय में ना बांधते तो रचनाकारों की जो प्रवृत्तियां होती वो उनका पता नहीं चल पाता, ठीक है। दूसरी बात यह है कि भक्ति काल का विभाजन उन्होंने प्रकरणों में जो विभाजित किया है, ये सटीक और बहुत ही अच्छा प्रमाणिक भी है, ठीक है। आप लोगों को हमने बताया था कि शुक्ल जी ने एक विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया था, विधेयवादी आलोचनात्मक पद्धति, ठीक है। ये हमने आपको बताया था साहित्य इतिहास में, जब साहित्य इतिहास ग्रंथ और साहित्य इतिहास परंपरा जब हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे, तो उसमें हमने आपको ये सारी जानकारियां दी थी। तो प्रकरण 1 में सामान्य परिचय है भक्ति काल का, ठीक है, कि भक्ति का उदय कहाँ से हुआ। काफी लोग दक्षिण भारत से मानते हैं, काफी लोग बोलते हैं कि यह इस्लाम ना आया होता तो भक्ति का स्वरूप वैसा ही होता जैसा पहले था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है हालांकि ये,
ठीक है। इसके बाद बोलते हैं कि निर्गुण ज्ञानश्री शाखा पहला ही आ जाता है, दूसरे दूसरे प्रकरण में निर्गुण ज्ञानश्री शाखा, और इसी को संत काव्य धारा कई लोग बोलते हैं संत, ठीक है। तीसरी जो शाखा है निर्गुण ज्ञानश्री शाखा की, वो प्रेमाश्री शाखा है, इसको सूफी काव्य धारा बोलते हैं, इसमें प्रेम प्रधान होता है, ठीक है। चौथा प्रकरण है उसमें आपको राम भक्ति शाखा मिलेगा, पांचवा प्रकरण में कृष्ण भक्ति शाखा, और प्रकरण जो छठा है तो उनके यहाँ एक फुटकल खाता होता है, शुक्ल जी के यहाँ फुटकल खाता होता है। फुटकल खाता आदिकाल में भी आया था, प्रकरण चार में आदिकाल में भी फुटकल कवियों को रखा गया था, जिसमें अमीर खुसरो और विद्यापति को शुक्ल जी ने फुटकल में रखा था प्रकरण चार में, और यहाँ पर जो प्रकरण छह बनाया गया है उसमें भी फुटकल खाता एक बनाया गया है। तो कहा जाता है कि शुक्ल जी अपना एक खाता बना के चलते थे जिसको कहा जाता है फुटकल खाता। इसमें जो रचनाकार होते थे उनकी प्रवृत्तियां अन्य उस काल के लोगों से नहीं मिलती थी तो उनको फुटकल में रख देते थे। इसमें हम देख लेते हैं जैसे कि कुछ लोग रहीम है, ठीक है, रहीम जैसे लोगों को इसमें रखा गया है, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं, देखिए आप कहेंगे इतनी जल्दी क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये एक परिचयात्मक क्लास है और परिचयात्मक कक्षाओं में हम चाहते हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा ये चीज समझ में आए, ठीक है। सामान्य परिचय जो पहला जो प्रकरण है शुक्ल जी बताते हैं कि इस प्रकरण में भक्ति काल के उदय की व्याख्या करते हुए और उसकी कुछ सामान्य प्रवृत्तियां उन्होंने बताई हैं, किस ग्रंथ में, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में। और हिंदी साहित्य का इतिहास कब आया था 1929 में आया था। साहित्य इतिहास की जो कक्षा है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि उसमें से प्रश्न बनते हैं और आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर हम थोड़े से नजर डाल लेते हैं कि अनिश्चित दार्शनिक आधार जो है भक्ति काल में आया है उसमें शंकर का अर्थ है शंकराचार्य का अद्वैतवाद, ठीक है, नाथों का हठ योग, सूफियों का तसव्वुफ, वैष्णवन का प्रतिपत्तिवाद और अहिंसावाद, इतने सारी चीजों से मिक्सचर होके बना है क्या निर्गुण ज्ञानाश्रय, निर्गुण ज्ञानाश्रय या संत काव्य धारा, संत काव्य धारा, ओके, संत काव्य धारा, ठीक। तो एक प्रश्न यह भी बनता है कि संत काव्य किसने कहा है, ठीक है, किसको, भक्ति काल की निर्गुण शाखा को संत काव्य किसने कहा है, तो परशुराम चतुर्वेदी जी ने, किसने, परशुराम चतुर्वेदी जी ने कहा है, चतुर्वेदी जी। इनकी एक पुस्तक है उत्तर भारत में संत परंपरा, इनकी पुस्तक का नाम है उत्तर भारत में संत परंपरा, ठीक है, किसकी है ये, परशुराम चतुर्वेदी जी की पुस्तक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। जो भी लोग भक्ति काल पढ़ते हैं या जितने भी अध्यापक हैं या एनटीए जीआरएफ में जो भी तैयारी करते हैं इस पुस्तक से जरूर गुजरे होंगे, ठीक है, कि संत काव्य परंपरा कितनी महत्वपूर्ण पुस्तक हो जाती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि निर्गुण ब्रह्म के प्रति आस्था, इस समय जो राम है कई बार पूछता है कि जो संतों के यहाँ राम है तो राम का स्वरूप कैसा है, ठीक है, राम का स्वरूप यहाँ निर्गुण निराकार राम है, निर्गुण और निराकार राम है, तो देखना कि निर्गुणों के यहाँ अर्थात संतों के यहाँ राम का स्वरूप निर्गुण राम है, कबीर के राम निर्गुण राम आते हैं, तुलसी के राम संगुण राम है, ठीक है। और फिर इसके बाद राम जी का तो काली चल रहा है और अयोध्या में मंदिर भी बन रहा है, सिया राम मैं सब जग जानी करहुं प्रणाम जोर जुग बानी, तो सभी लोग 22 तारीख को बढ़िया से स्नान करके राम जी को स्मरण करेंगे। शास्त्रों का विरोध है निर्गुणों में, ठीक है, और माया का विरोध भी है, माया महाठगनी हम जानी, कबीरदास जी की पंक्ति है कि माया ये तो महाठगनी है, काहरे कुमली तू कुमलानी तेरे ही नाल सरोवर पानी, तो ये प्रमुख प्रमुख जो कबीर के बारे में है, कबीर इसमें हम लोग पढ़ेंगे, दादू नानक, ठीक है, बहुत सारे रचनाकार हैं इसमें, और कौन कौन सी, आत्मविश्वास की प्रबलता है, ठीक है, आडंबरों का विरोध है, वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था इन सब का विरोध आता है, सांप्रदायिकता का विरोध आता है,
ठीक है, रहस्यवादी भावनाएं हैं जिसमें साधनात्मक और भावनात्मक दोनों हैं। तो इतनी सारी जानकारियां और जो निर्गुण शाखा है उसमें सारी चीजें संकलित हैं, जिसमें कबीर, दादू, नानक, रैदास, धन्ना, पीपा जितने भी रचनाकार हैं उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, और आने वाले दिनों में कुछ ही समय बाद टेस्ट सीरीज लॉन्च करने जा रहे हैं। तो जो लोग पेड क्लास में होंगे उनके लिए फ्री है, और जो लोग पेड क्लास में नहीं है, एक बहुत अच्छी सी टेस्ट सीरीज है जिसमें 13 जो वर्ष बीत चुके हैं 2010 से लेकर और 2023 तक की जो पेपर है PYQs वो है, और DU JNU से भी कुछ कुछ उसमें पेपर ऐड किए गए हैं। ठीक है, तो बहुत ही समृद्ध PYQs जो बना रहे हैं, एक बुकलेट है जिसका नाम है परीक्षा सहचर। ठीक है, पहले से ही नाम हम अनाउंस कर देते हैं इसका, और उसमें रहेंगे टॉपिक वाइज आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, इन सभी के भी टेस्ट रहेंगे। 100-100 लगभग 150-150 प्रश्न रहेंगे, तो अभ्यास आप कर सकेंगे। हमने क्या कहा, अनभ्यास विषम विद्या, तो आप विद्या तो ग्रहण करेंगे, यदि अभ्यास नहीं करेंगे तो फिर बड़ी हानि होती है। तो इसलिए अभ्यास करने के लिए टेस्ट सीरीज बिल्कुल आवश्यक है, आप उससे ज्वाइन हो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, और बैच के साथ यदि आप ज्वाइन होते हैं तो आपको टेस्ट सीरीज भी फ्री मिलेगी, और जो हम पढ़ा रहे हैं एक चीज के साथ 10-10 चीजें और भी ऐड करके, वो सारी चीजें भी आप लोगों को नॉलेज मिलेगा। तो CUET पाठशाला में मेरे साथ, मेरे बैच के साथ, निराला बैच के साथ आप सभी बने रहिए, पढ़ते रहिए। तब तक के लिए हर हर महादेव।